एवरीवन, दिस इज मी जॉली आप वेलकम बैक टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर आई हूँ सेक्टर 10 पर हमारे एक नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट का नाम है अनिहंत अबॉट एंड मैं अभी इसकी साइट पर हूँ। यहाँ से मैं आपको इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी कनेक्टिविटी बताना चाहूंगी। तो प्रोजेक्ट के आसपास आपको सारे मेजर हॉटस्पॉट्स मिल जाते हैं, प्लस सारी मेजर सिटीज से कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। तो चाहे वो दिल्ली हो, आपका गाजियाबाद हो या फिर ग्रेटर नोएडा, सारी जगह आपकी यहाँ से 20 से 25 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस के अराउंड रहेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्कूल्स मिल जाते हैं, 5 से 7 स्कूल बिल्कुल यहाँ से नजदीक है, आपके 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे रहे। कैलाश हॉस्पिटल है, ये सारे नजदीक मिल जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में आपको काफी सारे यहाँ पर कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्लस नॉलेज पार्क 5 यहाँ के काफी ज्यादा नजदीक है, अराउंड आपके 4 से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा। इसके अलावा हम सेक्टर 10 की भी बात करें तो सेक्टर 10 में आप देख सकते हैं पीछे कितनी सारी यहाँ पर आसपास सोसाइटीज बनी हुई हैं एंड ये सारी सोसाइटीज आपके रिनाउंड ग्रुप्स की रहेंगी। ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये कोको काउंटी है। उसके अलावा आगे आप अगर जाते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पे महागुण मंत्रा है, और भी काफी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, ताकि सेक्टर 10 में लोग यहाँ पर आना शिफ्ट हो चुके हैं, लोग रहना शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बगल में हमारा सेक्टर 12 है, जहाँ पर भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, वो सभी अभी एट प्रेजेंट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पर है। प्लस यहाँ से एक प्रपोज मेट्रो स्टेशन भी है, जो कि यहाँ से आपका 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा। सो गाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस वो रहेगी एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 24 मीटर वाइड रोड पर सिचुएटेड है। सो गाइस, मैं इसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुकी हूँ, अब हम प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे एंड इस प्रोजेक्ट को देखेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो गाइस। अरिहंत अबॉट की बात की जाए तो ये 5 एकड़ के एरिया में बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। 4 साइड ओपन आपकी प्रॉपर्टी रहेगी एंड यहाँ पर आपके 11 टावर्स रहेंगे, जो कि आपके S+22 की हाइट के साथ रहेंगे। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, फेज 1 एंड फेज 2 में। फेज 1 जो आपका है वो आपका रेडी टू मूव इन सेगमेंट का है एंड डिलीवर हो चुका है। काफी सारी फैमिलीज इनफैक्ट यहाँ पर मूव इन कर चुकी हैं, अराउंड यहाँ पर 100-150 फैमिलीज अभी यहाँ पर मूव इन कर चुकी हैं। फेज 2 की बात की जाए तो फेज 2 आपका अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है एंड ये पूरा आपका माइवान फ्रेमवर्क के साथ बन रहा है। इनफैक्ट पूरा जो प्रोजेक्ट है वो आपका माइवान फ्रेमवर्क के साथ रहेगा। फेज 1 में आपके 5 टावर्स हैं एंड फेज 2 में आपके 6 टावर्स हैं। सो इन टोटल यहाँ पर जस्ट कि मैंने आपको बताया था 11 टावर रहेंगे। टोटल यूनिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल आपकी 944 यूनिट्स है। कॉन्फ़िगरेशन की भी बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आपको 2 BHK एंड 3 BHK के साइजेस में अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। काफी सारे साइज के आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके अलावा पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट में रहेगी, प्लस इस प्रोजेक्ट में आपका एक एंट्री एंड एक एग्जिट गेट रहेगा, जिसमें कि आपकी 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ CCTV की सर्वेलेंस रहेगी। गाइज, मैं अभी अरिहंत अबॉट के क्लब हाउस के बाहर के एरिया में हूँ। यहाँ पर आपको सारी अमेनिटीज मिल जाती हैं। अगर मैं ग्रीन एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अराउंड 2 एकड़ के एरिया में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एरिया एंड पार्क एरियाज मिल जाते हैं। आप मेरे आसपास भी देख सकते हैं, ग्रीनरी काफी अच्छे से अभी से ही मेंटेन हो गई है, काफी सारे यहाँ पर प्लांट्स लगा दिए गए हैं। प्लस यहाँ पर सामने मेरे क्लब हाउस रहेगा, क्लब हाउस जो है वो आपका 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना रहेगा एंड ये ग्राउंड प्लस 3 की हाइट के साथ रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे कैफेटेरिया रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पर बैंकेट हॉल, पार्टी लाउंज एंड किड्स जोन रहेगा। किड्स जोन में आपके पास आपके लिए काफी सारी वहाँ पे किड्स के रिलेटेड गेम्स एंड ऑल रहेंगे। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर मूवी हॉल रहेगा, यहाँ पर 55 सीटर मूवी हॉल आपको मिल जाता है, काफी बड़ा यहाँ पर मूवी हॉल है। उसके अलावा जिमनेजियम रहेगा, फिटनेस सेंटर्स रहेंगे, बिलियर्ड्स रहेगा, इंडोर गेम्स रहेंगे एंड आपका कार्ड रूम रहेगा। उसके अलावा थर्ड फ्लोर पर हमारा रहेगा स्विमिंग पूल एंड रेन शावर। सो गाइस, एट फ्लोर पर आपके 4 फ्लैट्स रहेंगे, 2 फ्लैट्स रहेंगे आपके इस कॉर्नर पर एंड 2 फ्लैट्स रहेंगे आपके ऑपोजिट कॉर्नर पर, प्लस बीच में आपको 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन भी मिल जाता है। एंड गाइस, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सैम्पल अपार्टमेंट। सो इट इज अ 3 BHK सैम्पल अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 1270 स्क्वायर फीट एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द सैम्पल अपार्टमेंट। लेट्स गो इनसाइड। एंड गाइस, आप सीधे आ जाते हो यहाँ के लिविंग ड्रॉइंग स्पेस में। सो दिस एंटायर स्पेस इज योर ड्रॉइंग स्पेस। यहाँ आपको बालकनी मिल जाती है, स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपकी ये बालकनी रहेगी, ये आपकी प्राइवेट बालकनी रहेगी। प्लस मूविंग फॉरवर्ड तो यही पर रहेगी आपकी वॉटर, यहाँ पर रहेगा आपका वॉशिंग स्पेस एंड ये रहेगा
मतलब कम्प्लीटली ड्राई स्पेस। यहाँ पर आपका कुकिंग का सामान रहेगा, यहाँ पर आप अपना हॉब एंड चुन्नी प्लेस कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर काफी सारे कैबिनेट्स का स्पेस भी है, प्लस आपको यहाँ पर एक यूटिलिटी एरिया भी मिल जाता है किचन के साथ बिल्कुल भी अटैच। प्लस ये यूटिलिटी एरिया एक बालकनी भी है जो कि फर्दर आपके से एक बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी, किचन के बिल्कुल ही ऑपोजिट रहेगा हमारा बेडरूम नंबर वन। बालकनी एरिया, बालकनी में आपको पहले दिखा चुकी हूँ, ये आपके किचन एरिया के साथ कॉमन रहेगी। एंड हियर वी आर इनसाइड आवर बेडरूम नंबर थ्री, दिस इज योर बेडरूम नंबर थ्री, एंड इट कम्स टू अ वेरी गुड साइज। यहाँ पर आपके वॉर्डरोब का स्पेस रहेगा, एंड ऑन दिस साइड इज योर बालकनी। बालकनी आप चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छे साइज में आप यहाँ पर बालकनी एरिया ले जाते हैं। सेकेंड फेज में कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रही है, फर्स्ट फेज इज ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड वो रेडी हो चुका है, एंड सेकेंड फेज में भी काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज प्रोजेक्ट अरिहंत अबाउट, जिसकी लोकेशन थी सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन। आपको यहाँ का प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज, हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं, एंड मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ, प्लस यहाँ के की पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। तो ये आपका रेडी टू मूव इन कैटेगरी प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, दोनों तरीके के अपार्टमेंट्स केटर करता है, एंड ये आपका फुली पेड अप प्लान पे बना हुआ है। दैट मीन्स प्रोजेक्ट पर कोई ड्यूज नहीं है, किसी भी तरीके का यहाँ पर लोन नहीं है अथॉरिटी से, एंड रजिस्ट्री में कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही साथ सभी बैंक्स भी इसको फंड कर रहे हैं, फिर चाहे वो ICICI बैंक हो या PNB बैंक हो या फिर SBI हो, तो सभी बैंक से आपको यहाँ पर लोन भी अवेल हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ के जो अपार्टमेंट्स हैं वो सभी आपके सेमी फर्निश्ड कंडीशन में रहेंगे, एंड सबसे मेजर थिंग होती है कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका बिल्डर बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है कि बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, बिल्डर का पास्ट कैसा है। तो बिल्डर की अगर हम बात करें अरिहंत ग्रुप, तो वो काफी ज्यादा एक रिनाउंड ग्रुप है दिल्ली NCR के मार्केट में, एंड ये 28 इयर्स से एक्टिव हो रखे हैं रियल एस्टेट के मार्केट में, एंड इनके अराउंड 10 प्रोजेक्ट हैं बोथ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रेडी टू मूव इन कैटेगरी के। साथ ही साथ इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर भी कर चुके हैं, जैसे कि अरिहंत आर्डन, अरिहंत एम्बर प्लस फेज वन, इसका भी डिलीवर कर चुके हैं। सो ओवरऑल ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लोकेशन वाइज बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी यहाँ से आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है, प्लस कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स यहाँ के रेट्स भी काफी ज्यादा रीजनेबल है। अगर मैं रेट्स की बात करूं तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 72 लाख। जी हाँ, 72 लाख में आप ये प्रोजेक्ट में अपना घर ले सकते हैं। फेज टू आपका दिसंबर 2025 तक डिलीवर हो जाएगा, इनफैक्ट उससे पहले ही ये डिलीवर हो जाएगा क्योंकि काम बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर चल रहा है। फेज वन आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि वो आपका रेडी टू मूव इन कैटेगरी का है। सो गाइस, अगर आप यहाँ पर एक अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं या फिर आकर इस साइट को विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस, एंड मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।